तो गाइस आज मैं करूंगा चेस्ट और ट्राइसेप्स का वर्कआउट। आज मेरा होम वर्कआउट ट्रांसफॉर्मेशन का डे 26 है गाइस, ठीक है। आप घर पे 30 मिनट्स वर्कआउट करके मेरा रूटीन को आप फॉलो करके आप घर पे ही अच्छे से वर्कआउट करके गाइस आप होम मतलब बॉडी को ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते गाइस, मसल्स बिल्ड कर सकते गाइस, फिजिकल हेल्थ को मेंटेन रख सकते आप घर पे। जिम जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर पे आप 30 मिनट्स आप वर्कआउट कीजिए ना गाइस, आपका फिटनेस लेवल पूरा मतलब 100% ठीक हो जाएगा। अब घर पे 30 मिनट्स आप डेली कीजिए वर्कआउट, ठीक है ना। मेरा रूटीन को आप फॉलो कीजिए गाइस, और फिटनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, फिटनेस को आप इग्नोर मत कीजिए, ठीक है ना गाइस। फिजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए मैं डेली अपलोड करता हूँ गाइस, आप मेरा सिर्फ रूटीन को आप फॉलो कीजिए गाइस, ठीक है। और फिजिकल हेल्थ के लिए तो गाइस मैं हूँ, मैं डेली अपलोड करता हूँ, प्लस मेंटल हेल्थ के लिए भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मेंटल हेल्थ के लिए आपको 5 to 10 मिनट्स सुबह मॉर्निंग टाइम में आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा गाइस, ठीक है ना। तो आप मेंटल हेल्थ के लिए आप मेडिटेशन 5 to 10 मिनट्स कीजिए, और फिजिकल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए आप 30 मिनट्स वर्कआउट कीजिए। मतलब मैक्सिमम आपको 35 to 40 मिनट्स आपका मतलब बॉडी को देना ही पड़ेगा, ठीक है ना, तभी आप पूरा अच्छे से हेल्दी रह पाएंगे गाइस। और आपको बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, आपको जिम जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर पे 30 to 40 मिनट्स आप वर्कआउट कीजिए ना, मेंटल हेल्थ के लिए आप 5 to 10 मिनट्स आप मेडिटेशन कीजिए ना गाइस, आप हेल्दी रहोगे यार। तो चलिए आज का वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे वार्म अप से, थोड़ा मतलब वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए 5 to 10 मिनट्स वार्म अप कर लेते हैं, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ आज 26 डे में आज मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइस सबसे पहला जो वर्कआउट है वो हम लोग करेंगे डंड, ठीक है। आप होम वर्कआउट में डंड नहीं तो सपाटे दोनों में से एक आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये आपका बॉडी का मतलब स्टेमिना स्ट्रेंथ और पावर बढ़ाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जितना भी बड़ा बड़ा नाम देखेंगे होम वर्कआउट जो करते हैं वो सपाटे और डंड वो लगाते ही हैं, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको दोनों करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप दोनों में से एक आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा। तो चलिए 100 to 150 टाइम्स हम लोग लगाएंगे, लेकिन एक ही बार में आप नहीं सकोगे, आप 4 या 5 सेट में इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है गाइस। 100 to 150 टाइम्स बहुत होता है, ठीक है ना गाइस। आपका मतलब बॉडी को डेवलप करने के लिए, स्ट्रेंथ स्टेमिना स्ट्रांग बनाने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 100 to 150 टाइम्स करेंगे गाइस, 4 या 5 सेट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है डन, ठीक है। 100 टाइम्स मैंने लगाया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई सा भी डे हो, आपको डंड नहीं तो सपाटे दोनों में से एक आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये आपका स्ट्रेंथ पावर स्टेमिना पूरा बढ़ा देता है यार, आपको पूरा स्ट्रांग बनाता है। आपको डेली करना पड़ेगा, एक दिन में नहीं बनाएगा, आपको डेली मेहनत करते रहना पड़ेगा। 30 मिनट्स तो दो ना अपना बॉडी के लिए, फिजिकल स्ट्रांग बनने के लिए। तो गाइस जो चेस्ट का वर्कआउट है पहला, तो मैं चेस्ट और ट्राइसेप्स का वर्कआउट करूँगा आज। तो चेस्ट का 2 वर्कआउट करूँगा और ट्राइसेप्स का 2 वर्कआउट करूँगा, ठीक है। तो पहला जो चेस्ट का वर्कआउट करूँगा वो करूँगा चेस्ट पुशअप्स, ये 200 रुपये वाला इक्विपमेंट से करूँगा गाइस। ये बहुत ही इफेक्टिव है गाइस इस इक्विपमेंट से करने में, बिकॉज ये टारगेट पूरा वहीं करता है, मतलब आप जिस पार्ट के लिए करोगे पूरा एक्यूरेट वहीं पर लगता है। तो चलिए 100 पुशअप्स लगाएंगे, 4 सेट्स में कम्प्लीट करेंगे।
वन सेट में 25 रेपिटेशन करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही तो गाइस चेस्ट का पहला वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है 100 टाइम्स पुशअप्स। अभी जो नेक्स्ट वर्कआउट है वो मैं करूँगा डंबल से, ठीक है। इसका मैं करूँगा 4 सेट 15 रेपिटेशंस करके। आपको होम वर्कआउट में रेपिटेशंस इंक्रीज करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको मतलब जो होम वर्कआउट में जो एक्सरसाइज करते हैं ना, वो पूरा फेलियर तक लेके जाना पड़ता है, तभी मतलब मसल्स बिल्डअप होता है, आपको अंदर से पूरा स्ट्रांग बनने में हेल्प होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4 सेट ऑफ 15 रेपिटेशंस, ठीक है, सेकेंड वर्कआउट चेस्ट के लिए। तो गाइस मेरा चेस्ट का कंप्लीट हो चुका है। अभी जो पहला वर्कआउट है ट्राइसेप्स के लिए, वो मैं करूँगा डायमंड पुशअप्स। अब डायमंड पुशअप्स अगर इस इक्विपमेंट से करेंगे ना गाइस, एक्यूरेट कनेक्ट होता है यार, पूरा मसल्स बिल्ड हो जाएगा आपका ट्राइसेप्स मसल्स। तो चलिए इससे करते हैं, वो भी करेंगे 100 टाइम्स, 4 सेट में कंप्लीट करेंगे, मतलब 1 सेट में 25 रेपिटेशन। आप आराम से कर लोगे यार, 100 टाइम्स सुनने में ही बड़ा लगता है। आप जब होम वर्कआउट करो मतलब करोगे ना, तो 100 टाइम्स कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको डायमंड पुशअप्स। गाइस डायमंड पुशअप्स कंप्लीट हो चुका है 100 टाइम्स। अभी जो करूँगा मैं ये पोर्शन के लिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो होता है ना गाइस, जो कटिंग्स होता है, उसके लिए मैं करूँगा लास्ट वर्कआउट। इसका मैं करूँगा 4 सेट्स ऑफ 15 रेपिटेशंस, ठीक है। तो मैं जो अभी एक्सरसाइज दिखाने वाला हूँ, ये आप कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आपका आर्म्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो गाइस वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है। अब घर में 30 मिनट्स आप अच्छे से वर्कआउट कीजिए गाइस, मेरा रूटीन को आप फॉलो कीजिए। अब घर पे 30 मिनट्स वर्कआउट करके आप फिजिकली स्ट्रांग बन सकते हैं गाइस, आराम से हो जाएंगे आप डेली। आपको मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा, डेली करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मेरा जो वर्कआउट रूटीन होता है गाइस, वो डे वाइज होता है, ठीक है। आप अगर डे वन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सिस्टमेटिकली डे वन, डे टू, डे थ्री सीरीज आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और प्लस मेंटल हेल्थ के लिए आप 5 to 10 minutes आप मेडिटेशन कीजिए, ठीक है गाइस, आप हेल्दी रहोगे। आप बस ये दोनों चीज़ आप मेंटेन कीजिए ना, आप फिजिकल हेल्थ के लिए आप 30 मिनट्स वर्कआउट कीजिए, मेंटल हेल्थ के लिए आप 5 to 10 minutes आप मेडिटेशन कीजिए, आप देखना आप हेल्दी रहोगे गाइस। तो गाइस फियर, वरी, टेंशन ये सब लेने का ज़रूरत नहीं है, आप खाली अपना बॉडी को आप फिट रखना स्टार्ट कीजिए, मेंटल हेल्थ पे काम कीजिए और घर का हाथ का खाना खाइए गाइस, ठीक है ना। डाइट में अच्छे से 3 से 4 लीटर पानी पीजिए, बस यही सब मतलब छोटा मोटा चीज़ आपको डेली मेंटेन करना है, आप हेल्दी हो जाओगे, ठीक है ना। फिटनेस लेवल आपका बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा,
तो चलिए गाइज मैं यहाँ पे वीडियो एंड करता हूँ, मेरा रूटीन को आप फॉलो कर लीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब कर लेना, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी दे दूँगा, वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लेना गाइज, ठीक है। तो जय श्री राम, मैं वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ, कल फिर आऊँगा, कल मैं करूँगा बैक और बाइसेप्स का वर्कआउट, ठीक है गाइज़।